नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में बीजेपी की 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी ने आगामी यानी कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार किया। इसको लेकर बीजेपी महामंत्री खजान दास का यह कहना है कि रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। साल 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू यहाँ पर बीजेपी की ओर से कर दी गई है। जो केंद्र का निर्देश होता है उसको प्रदेश फॉलो करता है, और जो प्रदेश का निर्देश होता है वो हमारे जिले फॉलो करेंगे। इसलिए जो हमारा चिंतन का बैठक अभी रामनगर में था, जो इशू वहाँ पर आए हैं छनगर के, उन इशूओं पे आगे पार्टी काम करेगी। सभी जिलों को, सभी मंडलों में इस तरह के काम होते रहेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन का वर्ष भी है और इलेक्शन तक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होने वाले हैं, लेकिन अभी से बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के उत्तराखंड के दौरों की सूची बनानी शुरू कर दी। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई है, और इसी कड़ी में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के उत्तराखंड के दौरे तय होने लगे हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में कार्यक्रमों से होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बात है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आएंगे, और जैसा कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को आने वाले हैं राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। उनका उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ की हो, चाहे चार धाम यात्रा के लिए जिस तरह से उन्होंने पैसा दिया है सड़क को चौड़ीकरण के लिए, और अन्य अन्य लगाव है उत्तराखंड से। इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आने से उत्तराखंड वासियों को बहुत बड़ा लाभ यहां पे मिलने वाला है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य लगातार तेजी से चल रहे हैं, जिसको लेकर बार बार स्मार्ट सिटी अधिकारी और व्यापारियों ने यहां पर तनातनी बनती हुई नजर आ रही है। इस मामले में आज राजपुर विधायक खजान दास और मेयर सुनील उनियाल गामा निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में तनातनी को दूर करवाया। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों से राजधानी को एक नया रूप मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, अक्सर उसका समाधान करना हम सबका एक दायित्व बनता है। इसलिए मिल बैठ करके हमने आज इस नाले का समाधान किया है, और अक्सर ये होना भी चाहिए। जो लोगों के अंदर थोड़ा सा जो सोच थी, उस सोच को थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसी के तहत आज इसका निराकरण किया गया। व्यापारी भाइयों की थोड़ी बहुत जो शंकाएँ थी उनका समाधान किया गया। उनका कहना ये था कि नाले के बाद जो है फुटपाथ ना बने। हमने कहा है कि नाला सीधा बना के फुटपाथ पीछे बन जाए, तो इसके लिए जो है व्यापारी भाइयों की भी सहमति है और हमारी भी सहमति है। हमारा भी मेन उद्देश्य है कि जो स्मार्ट सिटी हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे व्यापारी भाइयों को किसी किस्म की भी दिक्कत ना हो, इसके लिए माननीय विधायक जी और हम यहाँ आए हैं। हमारे व्यापारी नेता सारे यहाँ हैं, सबके जो है आपस में सामंजस्य बैठा कर और जो है हर चीज़ का समाधान निकालते हैं, चाहे पल्टन बाज़ार की समस्या हो उसका भी जो है व्यापारी भाइयों के साथ। डॉक्टर डे के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में चिकित्सकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में डॉक्टर्स ने लोगों का जीवन बचाने के लिए जो काम किया वो बेहद सराहनीय है। डॉक्टरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की जान बचाई। डॉक्टर्स डे की मैं सबसे पहले अपने तमाम डॉक्टर्स को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ और उनको नमन कर रहा हूँ। और ये आप समझिए कि जिस प्रकार से एक चिकित्सक अपने दायित्व का बोझ जिन्हें रहता है और कर्तव्य के साथ वो अपने काम करते हो, कर्तव्य निष्ठा जिनके अंदर हो, हमने उन्हें कोरोना के कार्यकाल में देखा। वैसे आम चिकित्सक जब भी आप देखिए मानवीय संवेदना उसके अंदर है, मानवता उसके अंदर है और अपने कर्तव्य के प्रति वो पूरी तरह से जागरूक है। लेकिन कोरोना में आप देखिए कि अपने घर और परिवार की चिंता किए बिना, अपने स्वयं की चिंता किए बिना जिस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए और एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं तो एक शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो चिकित्सक न होके वो भगवान का रूप है।
काशीपुर के रामनगर रोड स्थित पांडे कॉलोनी निवासी हिमांशु नेगी सिक्किम में कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात था। हिमांशु नेगी अपनी रेजिमेंट टीम के साथ वाहन से जा रहा था कि अचानक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वो शहीद हो गया। 2 जुलाई को उनका 21वां जन्मदिन था। परिवार जन्मदिन मनाने की तैयारियों में जुटा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं उनके शहीद होने की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हिमांशु नेगी घर में अकेला कमाने वाला था। हिमांशु का एक भाई दिव्यांग है और दूसरे का एक हाथ खराब है। छोटी बहन बीएससी में पढ़ रही है, ऐसे में उनका जाना परिवार के लिए काफी दुखद है। भाई तो वैसे घर का सब कुछ, मतलब सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता था। वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में हूँ, पापा का ध्यान रख सके, हम पापा को फ्री माइंड छोड़ सके, फैमिली को मतलब हमेशा खुश रखना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में हो जाऊँ, फिर पापा फ्री माइंड रहे। पापा ने बचपन से ही, मतलब हमारी वजह से पापा गाँव से यहाँ आ गए। वहाँ पर भी नहीं तो बहुत ज़मीन जायदाद थी, अपना रोजगार था पापा का वहाँ पर, फिर भी पापा बिना नौकरी के यहाँ पे हमें लेके आ गए थे। हिमांशु 27 मार्च को भर्ती हो गया था कुमाऊँ रेजिमेंट में, और 2 साल 3 महीने हो गए थे उसको ड्यूटी पे। नेक्स्ट टाइम में भी छुट्टी काट के गया है 45 दिन की। 2 तारीख को निकला था घर से। बाकी कल ये समाचार मिला कि ऐसा ऐसा कि हिमांशु शहीद हो गया, हम उसको बचा नहीं पाए। सीओ साहब का फोन आया था। पर्यटन गतिविधियां शुरू होते ही नैनीताल में पर्यटक कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर बिना मास्क घूम रहे हैं। लगातार पुलिस पर्यटकों को जागरूक कर उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। इसी के तहत पुलिस मल्लीताल और मालरोड क्षेत्र में चहलकदमी कर रहे पर्यटकों को जागरूक करते हुए मास्क बांटते हुए दिखाई दे। इस दौरान SP यातायात और क्राइम देवेंद्र पिंचा ने कहा है कि नियमों का पालन करवाने के लिए जिले और अन्य जिलों से 15 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। नैनीताल शहर में अचानक ये टूरिस्ट काफ़ी बढ़ गए जब से कोविड का प्रेशर कम हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ लोग थोड़े बहुत लापरवाह भी होते जा रहे हैं। उसको लेके ही आज ये अभियान चलाया गया है कि जो टूरिस्ट लापरवाह हो रहे हैं मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को उनको अवेयर किया जा सके, उनको मास्क को जो नहीं जिनके पास है उनको मास्क दे भी रहे हैं, साथ ही उनको अवेयर भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो 3 गश्त टीमें बनाई है जो टूरिस्ट के लिए जो हॉटस्पॉट्स है, जो जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर लगातार गश्त करेंगे, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और साथ ही साथ में अगर जो जानबूझ के लापरवाही कर रहा जानबूझ के तो उनके हम चालान भी करेंगे। उत्तराखंड में लक्सर में JK टायर फैक्ट्री के श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में वेतनमान त्रिवर्षीय समझौते को लेकर चल रही खिंचतान के बीच फैक्ट्री की 7 यूनियंस के प्रबंधन के निर्णय को लेकर नकार दिया। श्रमिकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रबंधक का पुतला भी यहां पर दहन किया गया। वहीं पर बजरंग मजदूर संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार और CIL के अध्यक्ष जयवीर सिंह की ओर से कहा गया कि फैक्ट्री प्रबंधन मनमानी कर रहा है। वहीं पर प्रबंधन द्वारा मजदूरों के हितों पर कुंठाघात किया जा रहा है। समझौता होता है जो 3 साल के बाद होता है। फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ श्रमिक संगठनों को खरीद कर रात के 2:30 बजे ये एग्रीमेंट को सहमति करा ली है, और कुछ श्रमिक संगठन अभी बाहर हैं, उसमें हम लोग भी हैं, और 3,000 के 3,000 श्रमिक इससे सहमत नहीं है। खरीद फरोख्त का काम हुआ है। मैं अपनी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से कहना चाहूंगा, अगर मेरी ये वीडियो वहां तक पहुंचेगी कि यहां का संज्ञान ले, नहीं तो हम लोग इसी गेट पर आत्मदाह तक भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, सब कुछ यही करेंगे, लेकिन यहां से हिलेंगे नहीं अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो। मांग 11,000 रुपए की मांग हमने रखी है फैक्ट्री प्रबंधन से, और श्रमिकों के लिए आवास की योजना है, और श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल की योजना है, और मेडिकल सुविधा है, और बसों की सुविधा है। RPW को परमानेंट करना है। उनका RPW का जो एग्रीमेंट करते हैं सैलरी बराबर होनी चाहिए, समान वर्क समान पे होना चाहिए। जो फैक्ट्री प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानेगा तब तक हम अपनी ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। लक्सर में पल्स पोलियो अभियान के चलते कोरोना टीकाकरण की 11 सेशन साइट बंद हो गई। ऐसे में BRC पर बनी एकमात्र सेशन साइट पर अचानक से भार बढ़ गया।
गुरुवार को साइट पर टीका लगवाने की भारी भीड़ उमड़ी और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए ना तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से और ना ही पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कर्मचारी तैनात है। वहीं पर आरोप है कि रजिस्ट्रेशन करने और टीका लगाने वाले कर्मचारी भी जरूरत के हिसाब से काफी कम है। ये है बात कि कोरोना बहुत चल रहा है, इसमें हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। गैपिंग किसी के बीच में नहीं है, गैपिंग जरूर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के बीच में एक गज की दूरी होनी चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है हॉस्पिटल वालों की। अब कोरोना वैक्सीन यहाँ पर लग रही है और थोड़ी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की भी बनती है कि हर नागरिक में थोड़ा गैपिंग रखी जाए। आगामी 23 जुलाई से टोक्यो में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए पौड़ी के कंडूलिया पार्क में चेयर फॉर इंडिया थीम पर आधारित सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है, जहां पर लोग अपनी सेल्फी खींचकर टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय विधायक मुकेश कोहली भी सेल्फी पॉइंट में सेल्फी खिंचवाने के लिए पहुंचे। विधायक कोहली ने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी इस साल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अधिक से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। जो देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि जो 23 जुलाई को टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहा है, उसमें जितने भी हमारे देश के, भारत के जितने भी खिलाड़ी वहाँ प्रतिभाग करने जा रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कैंपेन है, जो कैंपेन है चेयर फॉर इंडिया के लिए जो कैंपेन है, उस कैंपेन के लिए हम लोग उनके खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट की ओर से पर्यटन पर लगाई गई रोक के बाद हरिद्वार में भारी संख्या में पर्यटन से जुड़े व्यापारी सड़कों पर उतरे और राज्य में पर्यटन ना खोले जाने से नाराज लोगों ने पर्यटन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स, होटल धर्मशाला समिति के लोगों और पर्यटन से जुड़े हुए लोगों ने भारी संख्या में हरिद्वार कांग्रेस के लोगों के साथ उत्तराखंड पर्यटन उद्योग की शव यात्रा भी निकाली और ये शव यात्रा राही मोटेल होटल से लेकर खड़खड़ी शमशान घाट तक प्रदर्शन करते हुए निकाली गई। इस दौरान व्यापारियों ने जहां उत्तराखंड में पर्यटन बंद होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और पर्यटन की हत्या करने का आरोप लगाया, तो वहीं पर इस शव यात्रा का हरिद्वार कांग्रेस ने भी पूरा समर्थन किया। लोगों ने देखा होगा कि 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश से चारधाम यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया। ये साफ तौर पे दिखाता है कि सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी बात को सही से नहीं रखा। हाईकोर्ट ने जो इससे इफेक्टेड लोग हैं, हम लोगों को एक्स पार्टी मानते हुए हमारे खिलाफ भी एक आदेश दे दिया। इससे हम ये मान रहे हैं कि पर्यटन की आज मौत हो गई, पर्यटन हमारा उत्तराखंड का ख़त्म हो गया। अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों में पर्यटन सुचारू रूप से चालू हो गया है। अगर हमने पड़ोसी राज्यों को भी देखते हैं तो वहाँ पर भी आज 1 जुलाई से इवन रजिस्ट्रेशन जो होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसीलिए सब जो पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, ट्रैवल एसोसिएशन हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी में रामनगर में गर्भवती महिला की मृत्यु पर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। आपको यहां पर यह भी बता दें, पीपीपी मोड़ पर गए रामदत्त जोशी, संयुक्त चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि महिला को अच्छा इलाज नहीं मिलने के कारण उसने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में कोरोना के साथ साथ राजनीति भी जोरों पर चल रही है। जहां विपक्ष कोरोना को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं पर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि विपक्ष का काम हमेशा से ही बयानबाजी करना है और आरोप लगाना है। उनियाल का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भी विपक्ष संयम बनाने के बजाय राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा। शासकीय प्रवक्ता ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक
पार्टियों का काम है जनता की सेवा करना, लेकिन कांग्रेस ने कोविड काल में भी राजनीति करना नहीं छोड़ा, जो उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। विपक्ष को केवल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं रह गया, और मैंने 50 बार कहा कि आज कोविड जैसी स्थिति को में हमको बजाय इसका राजनीतिकरण करने का, राजनीतिक दलों का धर्म है जनता की सेवा करना, वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस कोविड का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया, ये कांग्रेस की एक छोटी मानसिकता का प्रदर्शित करता है। आज जो आपने अभी बात कही, 750 की एक संख्या हमने सीमित कर दी है चारों धामों को मिला के, और जब बताया कि RT-PCR एंटीजन या रैपिड टेस्ट की कंपल्सन है कि उसके निगेटिव होने बिना किसी को दर्शन नहीं कराए जाएंगे, 30 पुरोहितों को वैक्सीनेट करने का निर्णय ले लिया, तो इसके बाद तो वैसे भी कोई संभावना किसी आदमी के संक्रमित होने की नहीं बनती। नैनीताल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर, नारायण नगर स्थित हिमालयन बोटेक्निकल गार्डन और सड़ियाताल स्थित वुडलैंड वाटरफॉल बुधवार से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान DFO ने ये बताया है कि प्रमुख वन संरक्षक, वन्य और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के आदेशों पर सैलानियों के लिए ये स्थल कोरोना काल के बाद अब खोले जा रहे हैं। चिड़ियाघर में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा इधर पहले दिन चिड़ियाघर में सैलानियों ने यहाँ पर वन्य जीवों के दीदार भी किए हैं। लंबे समय के बाद में यहाँ पर पर्यटकों को अपने बाड़ों के पास देखकर वन्य जीव भी काफी उत्साहित नजर आए। उल्लेखनीय है कि ये संस्थान पिछले 1 मई से कोरोना की महामारी बढ़ने के कारण बंद कर दिए गए थे। दोबारा कोविड का वेव के हिसाब से एकदम अचानक चिड़ियाघर बंद करना पड़ा। सेंट्रल अथॉरिटी से आदेश आया था, May 1 से बंद था, और आज से पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए चिड़ियाघर खुला। तो आज अभी तक लगभग 300 पर्यटक आ चुका है। इस पर स्पेशली केयर किया था जानवरों को, क्योंकि ये टूरिस्ट न होने के कारण ये कोविड का सारी नियम पालन करते हुए, और वैसा भी अलग अलग चिड़ियाघर में ये कार्निवोर्स को या टाइगर को या लायन को कोविड हो गया, वैसा भी न्यूज़ आ गया, सो हाइपर अलर्ट था। तो कोविड का सारी नियम का अनुपालन किया, और 2 वेटरनरी डॉक्टर्स है उसके अंदर, हम सारी एनिमल्स को स्पेशली देख रेख अभी करते आ रहे हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए खेल विभाग की ओर से पौड़ी के कंडोलिया स्थित इंडोर स्टेडियम परिसर में लॉन टेनिस का कोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है। करीब 4,50,00,000 की लागत से इंडोर स्टेडियम में यहां पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लॉन टेनिस कोर्ट को महज 6 महीने में तैयार करने की खेल विभाग की कार्य योजना है, जिसका कार्य शुरू भी कर दिया गया है। जिला खेल अधिकारी अरुण बंग्याल ने बताया है कि 4.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम में होने वाले कार्यों में से बनाए जा रहे इस लॉन टेनिस कोर्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएं निखारने के लिए बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही पे, यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको एक राष्ट्रीय स्तर का एक लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण हो रहा है, जिससे उनको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब वो राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे तो उनको हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी जो प्रॉब्लम पहले आती थी, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, कदम उठा रही है, वहीं जिले में टीके का संकट खड़ा हो गया। अधिकारियों के अनुसार जिले में बुधवार को भी कोविशील्ड के टीके खत्म हो गए हैं, ऐसे में जिले के कई केंद्रों से लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। अधिकारियों के मुताबिक कोविशील्ड टीके की कुछ डोज बची है, जो कि NRI और साथ ही बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई है। इस दौरान जिले के तमाम टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हो पाएगा। डॉक्टर पांडे के मुताबिक स्वास्थ्य निदेशालय के स्तर से कोविशील्ड टीके की अतिरिक्त डोज मंगवाई गई है। कोविशील्ड टीका मुहैया होते ही लोगों को टीके फिर से पहले की तरह लगने शुरू हो जाएंगे।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना दो दिन के यमुनोत्री दौरे पर रहे, जहां पर धस्माना यमुनोत्री धाम के पहले पड़ाव खरसाली तक दौरा कर वापस देहरादून लौट आए हैं। दौरे के दौरान धस्माना ने यमुनोत्री धाम में पहले पड़ाव खरसाली में मां यमुना की पूजा अर्चना करी है। उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों को देखा, साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों के सरकारी दावों को हवा हवाई बताते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार ने दावा किया था कि 1 जुलाई यानी कि आज से चारधाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी, लेकिन वहां पर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। चारधाम यात्रा जो कुंभ के बाद होनी थी, और कुंभ का जो तजुर्बा हमारे पास है, जिस प्रकार से कुंभ में फर्जीवाड़ा हुआ और जिस प्रकार कुंभ से सुपर स्प्रेडर कुंभ को माना गया, तो हमने कहा चारधाम यात्रा भी देख लेते हैं। तो हम पहुँचे और पहुँच करके जो मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया। सरकार तो कह रही थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हम यात्रा करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, यमुनोत्री में पहुँचा और पता लगा कि साहब वहाँ तो 4 सिपाही लगे हुए हैं जो कह रहे हैं कि आप यात्रा नहीं कर सकते। 4 सिपाहियों के अलावा ना वहाँ तो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ना वहाँ पर कोई बेस अस्पताल बनाया गया है, ना वहाँ पर एंटीजन या RT-PCR की टेस्टिंग की व्यवस्था है, ना वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहने जैसी कोई स्थिति दिखी कि अगर कोई आपातकाल हो जाए और कोरोना के मरीज आ जाएँ तो उनको कैसे क्वारंटीन करेंगे या कैसे आइसोलेट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर जहां पर सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव को लेकर रिलैक्स मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाद अब शासकीय प्रवक्ता शुभोदय उनियाल का कहना है कि सरकार द्वारा पहले ही निर्वाचन आयोग को रिक्त सीट की सूचना दे दी गई है। परिस्थितियों के हिसाब से केंद्र और निर्वाचन आयोग उपचुनाव कब कराने पर सहमति बताएगा, उसके बाद चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। आपको यह भी बता दें, उत्तराखंड में वर्तमान में 2 विधानसभा सीटें खाली चल रही है, वहीं पर दोनों खाली सीटों पर मुख्यमंत्री तीरथ के उपचुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं काफी तेज हैं। रिक्ति की सूचना चुनाव आयोग को भेजना, और सरकार काफी पूर्व में चुनाव आयोग को रिक्ति की सूचना भेज चुकी है। अब चुनाव आयोग करस्पॉन्डेंस करता है फिर भारत सरकार के साथ कि क्या परिस्थितियां ठीक है चुनाव करने लायक, तो जैसे ये इस तरह का कोई करस्पॉन्डेंस होगा तत्काल उसमें आपको बता दिया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।